खत्म हो चुका हूँ संघर्षों से लेकिन फिर भी वो कमाल कर जाऊंगा, कि खत्म हो चुका हूँ संघर्षों से लेकिन फिर भी ये कमाल कर जाऊंगा। ये वर्दी तू मुझसे दूर क्यों भाग रही है, तेरे लिए तो मैं चट्टानों से भी लड़ जाऊंगा। जय हिंद, नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। दोस्तों, सपने में देखा था जिसको, आज वही दिन आया है दोस्तों। वो धीरज पटेल इंडियन आर्मी की फाइनल वर्दी में आ गए, पर दिल से ताली बजाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। दोस्तों, आज के वीडियो में दोस्तों धीरज पटेल से पूरा परिचय करवाएंगे, किस तरह बंदा मेहनत करके अपनी इंडियन आर्मी की फाइनल वर्दी में आ गया। एक बार दिल से ताली बजाते हैं। जय हिंद दोस्तों, इस वर्दी का पूरा श्रेय मेरे साथ जितेंद्र पेरिवार और खोजोग फैक्ट्री इंदौर फिजिकल एकेडमी को जाता है, जिनके कारण आज मैं इस जगह पर वर्दी में आपके सामने खड़ा हूँ। दोस्तों, आप लोग भी अच्छी तरह मेहनत करो, अपनी मेहनत को बरकरार रखो, हताश बिल्कुल मत हो, ये मेरी बात को ध्यान रखना कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, अरे थक कर ना बैठ, मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। प्रयास करिए, अपनी मेहनत का बरकरार रखिए और एक दिन आपको इंडियन आर्मी की वर्दी जरूर मिलेगा। एक बार दिल से ताली बजा दीजिए। जब फिजिकल टेस्ट देने गए थे, कैसा क्या लगा वहाँ पर? सर, वहाँ पर मुझे पूरा भरोसा था कि जिस तरीके से मुझे मेरे गुरुजी ने गाइड किया था और यहाँ पर ट्रेनिंग दी थी, मुझे पूरा विश्वास था कि मैं रनिंग वहाँ पर एक्सीलेंट मारूंगा और यहाँ पर एक दिन फौजी बनकर जरूर आऊंगा। मेडिकल वगैरह कैसा हुआ आपका? मैंने मेडिकल के बारे में सर्च पूछा, सर ने बताया बेटा तेरा मेडिकल में अच्छा निकल जाएगा, और मैं सर के दिए आदेशों पर मेडिकल भी मेरा अच्छा हो गया, एकदम क्लियर निकल गया। 9 महीने की ट्रेनिंग कैसी रही आपकी? ट्रेनिंग भी बहुत बढ़िया रही, वहाँ पर ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं रही और मैंने 9 महीने की ट्रेनिंग भी कम्प्लीट कर ली मेरे गुरु जी के आशीर्वाद से, और आज मैं उन आप सबके सामने इस वर्दी में खड़ा हूँ। है ना, जिस तरह पहले वीडियो बनता था, खुजवा आते थे तो उस टाइम यहाँ पर बैठे करते थे ये लोग, आप भी बैठे हुए थे यहाँ पर। जी सर, इन सभी को क्या बोलना चाहेंगे? मैं भी सबसे पहले मैं भी इंदौर फिजिकल एकेडमी का वीडियो देखता था, फिर मैं भी चाहता था कि ये लड़का खड़ा है, इसकी जगह मैं क्यों नहीं। फिर मैं भी यहाँ पर सर जी से आके मिला तो सर ने बताया कि बेटा तू जरूर फौजी बनेगा, लेकिन तू यहाँ पर दिन रात मेहनत करना पड़ेगी। और मैं 73 दिन भर्ती के पहले आया था और सर ने मुझे जिस तरीके से हम भाइयों को मेहनत करवाई, और आज आप मैं सबके सामने इस वर्दी को पहनकर यहाँ पर खड़ा हूँ। और अगर आपको भी मेरी जगह इस आपको भी यहाँ पर देखना चाहते हो, सर जिस तरीके से आपको मैं बता रहे जो आदेश दे रहे, अगर आपने कभी उनको फॉलो कर लिया तो आज मैं नहीं कल आप यहाँ पर खड़े रहोगे। ट्रायल लिया था आपने, यस या नो? जी सर। तो ये बंदे किस तरह दौड़े, कैसा क्या माहौल रहा है इनका? अगर मैं दिल से बोलना चाह रहा हूँ, बंदे ने जिस तरीके से आज ट्रायल दिया, अगर भर्ती में इसी तरीके से दौड़ गए, इन्हें कोई भी ताकत यहाँ पर इस वर्दी में आने से नहीं रोक सकती है। साथियों, सभी को बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। आप लोग भी अच्छे से मेहनत करो, अपनी मेहनत को बरकरार रखो, हताश बिल्कुल नहीं होना। और बात धूमपर कर वही आती है मेरे दोस्त, कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता है, और बंदा और बंदी हारते वही है जो मेहनत नहीं करते। दोस्तों, तो वर्दी आपके सामने, आप भी मेहनत करो, पसीना बहाइए। आप जिसे यूट्यूब फैमिली वीडियो देख रहे हैं, इनको क्या बोलना चाहोगे? मैं आपसे भाइयों यही बोलना चाहूंगा, अगर आपको फौजी बनना, अगर भर्ती के 1 या 2 महीने बचे तो आप बेस्ट ऑफ इंदौर फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करिए और मेरी तरह फौजी बनिए और यहाँ पर आइए और आपका माँ बाप का सपना रोशन करें। मैं आपसे एक डायलॉग बोलना चाहूंगा कि खत्म हो चुका हूँ संघर्षों से लेकिन फिर भी वो कमाल कर जाऊंगा, कि खत्म हो चुका हूँ संघर्षों से लेकिन फिर भी ये कमाल कर जाऊंगा। ये वर्दी तू मुझसे दूर क्यों भाग रही है, तेरे लिए तो मैं चट्टानों से भी लड़ जाऊंगा। दोस्तों, वीडियो को भी अच्छा लगा तो प्लीज इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आने वाली 20 तारीख से हमारी न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, आप भी आइए और इंदौर फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करिए और आप भी अपने सपने को साकार करिए और आप भी यहाँ पर खड़े हुई है वर्दी में। भारत माता की जय।